बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और बहुत शर्मनाक बात है कि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गांव के सभी लोग पीड़ित के साथ हैं। आज सभी ने मिलकर एक शांति रूप से एकता दिखाकर प्रशासन के सामने मांग रखी है। इस संगीन मामले पर प्रशासन को बहुत जल्दी संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और हम सभी की अपील है कि पहले वो गिरफ्तार हो, उसके बाद हम देह अग्नि करेंगे। हर सुख दुख में जनता के साथ जुड़े रहते हैं और मामला इस तरह संगीन है कि लोगों को रोड पर आना पड़ गया। इस पर आगे अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती समय पर जैसा कि ये चाहते हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे जनता के साथ मिलकर? प्रशासन को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके का संगीन अपराध हो रहा है और लगातार होता रहा है एक गरीब परिवार के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घिनौने कृत्य के खिलाफ पूरा समाज एकजुट होकर आज खड़ा है और प्रशासन को गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी और आगे सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जैसा कि पुलिस प्रशासन और आपके बड़े जो नेता उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और मामला संज्ञान में ले लिया गया है। आपकी भी बड़े नेताओं से बात हुई है? देखो, पूरा समाज सामने बैठा है गिरफ्तारी के लिए हमारा सबका। पुलिस प्रशासन सामने अभी हमें ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें माननीय CP साहब होने चाहिए, बड़े अधिकारी होने चाहिए, तभी कोई बात समझ में आएगी। वो हमें आश्वस्त कर पाते हैं तो ठीक है, वरना ये प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, एक CP साहब की मांग यह हुई है कि कमिश्नर खुद यहाँ करके सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आप देखें कि महिला और युवा और पुरुष भारी संख्या में रोड जाम पर बैठे हुए हैं। इनका ये मानना है कि कम से कम जो अपराधी हैं जो लोग उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इसी संदर्भ में और जान लेते हैं। दोस्तों, साहब क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो जी, बहुत ही जघन्य अपराध है। सबसे पहले प्रशासन को तुरंत मुस्तैद होकर जिन्होंने ये कार्य किया है तो उनको सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ के आश्वासन दे जो हमारे सभी लोगों की जो मांग है उनको उन पर तसल्ली से उनको सुने और मुआवजे की जो राशि हमारी जो सभी जो कमेटी, मैं तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ, जो सब लोगों ने इन्होंने तय किया है मामला, तो उसको अच्छे से सुने जाए और उनकी कोई भी प्रशासन का आदमी जब यहाँ आए और उनको इस बात की सांत्वना दे और उस बात की तसल्ली दे कि भाई जो पीड़ित पक्ष है उनको किस तरह मुआवजे की राशि देकर और जो आर्म्स लाइसेंस की जो डिमांड की है दिया जाए। हाँ, वो असले का लाइसेंस दिया जाए। बट साहब, मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग, आप क्या चाहते हैं कितना मुआवजा मिलना चाहिए? पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपए की मांग है, बिल्कुल जायज मांग है। परिवार में जो आश्रित है उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए और परिवार को सुरक्षा के लिए गन के लाइसेंस ही मिलने चाहिए। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने कृत्य किया है, आगे की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, गरीब परिवारों के साथ ये घटना दोबारा घटित ना हो। धन्यवाद। देखिए, भाजपा के नेता भी हैं और पटना विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति के साथ सीधे तौर पर जुड़ रहते हैं विनोद भाटी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद, सामाजिक सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा, तीनों चारों चीजें मिलनी चाहिए। आश्रित परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए जिससे कि आमजन में एक मैसेज आए, जिससे कि पुलिस सही समय पर सही बात करे। और आप सीधे तौर पर फतेहपुर बिल्लौद से ये लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ के सरपंच हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या पूरा मामला विस्तार से आप बताएं और क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, ये जो गांव का ये जो आपका सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद जो आप लोग गांव में आए। ये भी जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है इलाके के लिए, गांव के लिए, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर हरियाणा के लिए। ये जो ये लड़ाई आपस में बच्चों में शुरू हुई और ये लड़ाई एक भयानक रूप ले गई। सभी एक परिवार के लोग हैं।
नहीं, ये दो समाज हैं, जोगी समाज और जाटर चमार समाज, दो ये दोनों पड़ोस में रहते हैं और किसी न किसी बात पे इनका विवाद बच्चों में हो गया, वो तो विवाद आगे बढ़ गया, उसमें पुलिस भी आ गई थी, 100 नंबर पे पुलिस आ गई। फिर मेरे सामने को आया था, नहीं पुलिस आ गई थी, मतलब 100 नंबर पे जैसे घटना शुरू हुई तो 112 नंबर पे फोन किए गए, पुलिस आ गई, फिर मेरे पास कॉल गया, मैं भी बाहर था, मैंने तुरंत SHO को फोन किया, DCP को फोन किया, तुरंत पुलिस आ गई, तुरंत ने नहीं आती तो और भी बड़ा नशा। सामने ये चीजें हुई क्या? नहीं पहले हो गई थी, पुलिस से पहले हो गई थी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गांव में शांति बनी रहे और जो भी सरकार, हमारे विधायक जी, हमारे MP साहब, हमारे कमिश्नर चाहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा इनके परिवार को मिले। हमारे गाँव में एक थाने की भी मैं मांग करता हूँ, बहुत समय से मैं मांग कर रहा हूँ कि हमारे गांव में 25-30 हज़ार आबादी का बड़ा कस्बा है, यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, चौकी नहीं है क्या? नहीं, यहाँ चौकी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक पुलिस थाने की मांग करता हूँ और यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस की गश्त